हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे, एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही होगी। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनपीओ के कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। तो वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें लगभग सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 46, प्लीज़ इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कहीं रजिस्टर पर नोट कर लीजिए या जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पर इनको नोट करके रखना। 46 क्वेश्चन है और ये है टीएस ग्रेवाल 2018 एडिशन, इसका पेज है 7.66। जिन स्टूडेंट के पास ये बुक है तो वो यहाँ से देख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है तो मैं उनके लिए, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं उनके लिए इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, ये हो गया। तो अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन 46 को मार्क करके रखिए। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उनके ऊपर वीडियो कितने लोग चाहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट हुई तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊँगा। राइट, चलिए तो मुझे बता देना जैसे भी आपको, और हाँ जल्दी से जल्दी वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि अभी मैं किसी अर्जेंट काम के लिए जा रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आज शाम को ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, एक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 46 47, उसके बाद बस यहाँ पर आपको ये दो क्वेश्चन देखने। हाँ, ये नेक्स्ट पेज पर भी जा रहा है, इसका नेक्स्ट पेज पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये वाला पार्ट भी है, ये 47 का ही पार्ट है। 48 में एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आप अभी छोड़ सकते हैं। 46 एंड 47 दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद पीछे चलते हैं, यहां से आप मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 44। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, 45 को करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, 44 आप मार्क कर लीजिए। और उसके बाद आपको मार्क करना है 43, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में भी एक अच्छा पॉइंट आएगा, मैं उसको समझा दूंगा आपको। 43 में भी एक म्यूनसिपल टैक्स का पॉइंट आएगा, आप उसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको पिछले पेज पर जाना है, एक क्वेश्चन 41 मार्क कर लीजिए आप। और एक क्वेश्चन ये 39 आप मार्क कर लीजिए। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर दे रखी होगी तो किस तरीके से उसको डील करेंगे तो वो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको जो क्वेश्चन मैंने बता दिए, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसमें आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं। इनके अलावा जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमेबल की हमने जो टॉपिक है वो रिवाइज कर लिया, और फिर जो क्वेश्चन बच गए हैं उसमें उनको जल्दी जल्दी से मैं गो थ्रू करा दूंगा, तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एनपीओ का चैप्टर। हाँ, उसमें हमारा एक टॉपिक और बचता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, सिर्फ 3 क्वेश्चन करके जाने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के, और वो चैप्टर पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। राइट, तो पहले हम लोग ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद फिर वो जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन है वो हम ट्राई कर लेंगे। राइट, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना आप कितने लोग चाहते हैं इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। ओके, और मैं आज शाम को ही स्टार्ट कर दूंगा वीडियो बनानी अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।